क्या आपको क्या लगता है बीजेपी सरकार ने अच्छा नहीं किया है? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या अच्छा नहीं किया है? बहुत महंगाई है, जनता त्रस्त है। जनता महंगाई अगर तरस रही है तो उसके साथ अन्य चीज़ें भी बहुत सारी बढ़ रही हैं। एक चीज़, एक मिनट, अगर पॉपुलेशन बढ़ रही है और जो मटेरियल है वो कम पड़ रहा है तो नॉर्मल सी बात है महंगाई होगी। भाई मेरे पॉपुलेशन बढ़ रही है तो पॉपुलेशन बढ़ने की गवर्नमेंट ला सकती है ना बिल, एक चाइल्ड का चल रहा है ना चाइना में, गवर्नमेंट क्यों नहीं ला रही बिल? नहीं तो अभी तो विपक्ष उसका साथ नहीं देने लग जाए। विपक्ष साथ नहीं दे भाई, आम आदमी को क्या चाहिए? सस्ता पेट्रोल चाहिए, रसोई गैस सस्ती चाहिए, सस्ता राशन चाहिए, और क्या चाहिए भाई? नहीं तो एक चीज और है, वो नहीं दो दे नहीं पा रही है। दो मतलब 100 रुपए लीटर पेट्रोल है, 10 रुपए का 5 रुपए का मसाला मिलता है, लोग गुटखा मसाला खा लेते दिन में 50। अरे वो उसका पर्सनल वो है भाई, गवर्नमेंट से क्या आशा करते हो आप? गवर्नमेंट से क्या आशा करता है एक आम आदमी? शिक्षा, सुरक्षा, बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, हाँ सुरक्षा, राशन, पेट्रोल, डीजल, पाँच, हाँ तो ये तो नॉर्मल चला, 5 किलो सबको इतना राशन मिला। मिडिल क्लास को क्या मिल रहा है यार? मिडिल क्लास को क्या मिल रहा है? ऊपर वालों के तुम लोन माफ कर रहे हो है ना, और गरीब मर रहा है। गरीब क्या दे रहे हो तुम? स्टेशन बेच रहे हैं। क्या दे रहे हो भाई? जनता को क्या मिल रहा है? मिडिल क्लास को क्या मिल रहा है? जो गरीब है बिल्कुल, जो एंड टू माउथ है वो मांग के खा लेता है, ऊपर वाले उसको जरूरत नहीं है। मिडिल क्लास को तो मार डाला तुमने। मिडिल क्लास को क्या मिल रहा है? मिडिल क्लास वाले सबसे ज्यादा बीजेपी सरकार में पीछा जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या इंडिया को पछाड़ पाएगी, डिबेट कर पाएगी? बिल्कुल, इस बार बाजी पलटेगी। अच्छा, अगर इंडिया बनती है तो इंडिया में किसे प्रधानमंत्री रूप में देखना चाहेंगे आप? वो तो बाद की चीज है, वो तो बाद की चीज है। देखिए राहुल अच्छा ऑप्शन है, बाकी देखेंगे। राहुल अच्छा ऑप्शन है, ये मार्केटिंग की गवर्नमेंट है, मार्केटिंग पे टिकी है, जैसे आई थी वैसे चली जाएगी, कुछ अच्छा, नहीं है। अच्छा, अगर देखा जाए कि विपक्ष जो हमेशा ब्लेम लगाता रहा है कि मोदी सरकार में बीजेपी महंगाई बहुत बढ़ गई, बेरोजगारी बहुत बढ़ी, तो क्या सही है गलत है? नहीं साहब, ये तो गलत ही है, महंगाई कहाँ बढ़ी है? महंगाई नहीं बढ़ी, महंगाई के साथ साथ लोगों के इनकम भी तो बढ़ी है, ऐसा नहीं? अच्छा अच्छा, 2024 में क्या वापस बीजेपी सरकार आ पाएगी नहीं आ पाएगी? एक्चुअल बीजेपी सरकार तो आएगी आएगी, मोदी जी के काम ही इतने, G20 देखो आप, G20 में कितना काम किया है। और मतलब ये एक चीज़ नहीं, ये तो आ जाएगी, लेकिन आप जो बोल रहे हैं कि बहुत अच्छा काम किया है, सिलेंडर इतना महंगा हो गया, पेट्रोल इतना महंगा हुआ है, 200 रुपये कम हो गए हैं, तो क्या आपको लगता है 200 कम रहेंगे कि चुनाव के बाद? अभी इलेक्शन और आने दो, इलेक्शन आएगा तो और कम हो जाएंगे, इलेक्शन और कम हो जाएंगे। तो एक चीज़ और है ना, इलेक्शन पर कम हो जाए फिर महंगे हो जाए तो उसका जनता का क्या फ़ायदा है? जनता का फायदा क्या है इन चीज़ों को तो आप गवर्नमेंट देखेगी, तो बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं कि गवर्नमेंट को हर चीज जनता की तरफ नहीं देखता, अपने पूरे विकास के लिए, पूरे देश के विकास के लिए सोचती है गवर्नमेंट बीजेपी। देश के विकास के लिए बीजेपी सरकार अच्छी है? बिल्कुल। आप मतलब ऐसे क्या काम बीजेपी ने किया जो आप 2024 में से जितवाना चाहेंगे? कुछ काम बताओ अगर आपको अच्छा। अरे काम तो आप ये लगाओ, अयोध्या वाला काम हो गया, आपके मथुरा में काम चल ही रहा है ना, जो जन्मभूमि पे, और ये बहुत सारे ऐसे काम है, दो काम मैंने गिराए ऐसी सारी। तो कहीं ना कहीं धर्म के पीछे बीजेपी सरकार जीत रही है, ऐसा है क्या? यहाँ ये कह सकते हैं, लेकिन अपना अपना हर पार्टी का अपना अलग अलग एजेंडा, प्रोपेगेंडा एजेंडा रहता है जी। तो बीजेपी सरकार धर्म के पीछे, धर्म के लिए अच्छा कर रही है बीजेपी? बिल्कुल कर रही है। क्या नाम आपका? कहाँ से आप? मैं सिरसा से हूँ। हाँ जी, सिरसरन से। सिरसा हरियाणा में है? यस। तो ये 9 साल बीजेपी सरकार के कार्यकाल जनता के लिए कैसे रहे अगर आप बताना चाहें? मतलब 9 साल का जो बीजेपी सरकार का कार्यकाल रहा है, ये जनता के लिए सही रहा है कि गलत रहा है? सही। किस परिपेक्ष में सही रहा है? काफ़ी तरीके से रहा, चोरी डकैती वैसे भी, और सुविधाएँ का भी हैं। अच्छा अच्छा, और सब कुछ अच्छा ही रहा है? सब कुछ अच्छा ही रहा है। तो 2024 में क्या दोबारा सरकार बन पाएगी बीजेपी सरकार? पक्का बनेगी। एंड जो इंडिया है, इंडिया मतलब विपक्ष, वो तो बहुत मजबूत हो रहा बोल रहा है, मोदी जी योगी जी अब गए, अब दोबारा नहीं आएंगे, वो सब अफवाहें। अफवाहें? यस। 2024 में पुनः आ जाएगी? पक्का आना है। पक्का आ जाएगी? पक्का आएगा। आप लोगों का पूरा सपोर्ट है? सपोर्ट है। अच्छा जी, यस। अच्छा, एक चीज़ और बताएं, 2 साल बचा है मोदी जी के पास प्रधानमंत्री के लिए, इसके बाद में उनकी उम्र हो जाएगी। हाँ। तो इसके बाद प्रधानमंत्री किसे देखना चाहेंगे? योगी को। रहने वाले हरियाणा के, उत्तर प्रदेश के सीएम को चलाएंगे? यस। अच्छा जी, यस। योगी जी बहुत अच्छे हैं फ्यूचर के लिए? यस। बेरोजगारी, महंगाई, गुंडागर्दी, विपक्ष ही ब्लेम लगातार है कि बढ़ रही है? सरकार सही है, लोग जो कहते हैं, आप वो कह रहे हैं हमें जॉब नहीं मिल रही, जॉब ऐसे तो नहीं मिल रही, मेहनत करो जॉब मिल ही जाएगी। अब अखिलेश की सरकार में जो था 15 लाख दिए, 10 लाख दिए तो जॉब मिल ही जाती है। अब रिश्वत चल नहीं रही है तो लोग अगर जॉब नहीं मिली, जॉब कैसी मिल जाएगी यार? अच्छा, अब जब मेहनत करो तो जॉब तो वैसी मिल जाएगी, जॉब वैसी मिल जाएगी। मेहनत करने वालों के लिए बेरोजगारी नहीं है, बाकी लोगों के लिए तो कमी है। जॉब
जी जी बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। वैसे देश के हित से अच्छा है, देश के हित के लिए, पर पर्सनल देखा जाए तो सर्वेंट गवर्नमेंट वाले फोर्थ क्लास थ्री क्लास जो है वो ना खुश है। तो 2024 में क्या आपको लगता है कि सरकार आ पाएगी नहीं आ पाएगी जहाँ भाई? जो एरिया का होगा उसको देख के देंगे। अच्छा अच्छा, क्योंकि अधिकतर मोदी तो सही है मगर और नीचे तो खराब है। सही बात है, अगर वो सही। अभी भी वोट केवल मोदी जी के नाम से जाता है नीचे? हाँ, मोदी जी के नाम से ही जाएगा वोट तो, मगर ये है कि जो कैंडिडेट होगा उसके हिसाब से जाएगा। अच्छा अच्छा, हाँ ये नहीं है कि वही उसी जाएगा। जी जी।